स्टार्ट। ओके, सो टुडे आई विल लेट यू नो अबाउट हाउ टू ट्रेड इन क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। ओके, दैट इज एपीआई एंड ईआईए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन्वेंट्री केम एट 8:30 ऑन दिस थर्सडे। ओके, सो दिस वॉज द कैंडल ड्यूरिंग द इन्वेंट्री, दिस वन। ओके, एंड दिस कैंडल वॉज ड्यूरिंग द एपीआई। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ईआईए। ओके, सो सी दिस, वी विल एनालाइज बाई द विक। ओके, सी दिस विक, दिस इज अपर विक एंड दिस इज लोअर विक, वेरी स्मॉल विक लोअर साइड। ओके, एंड ऑन दिस कैंडल दिस इज लोअर विक एंड दिस इज अपर विक। सो वी विल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ विक। ओके, सो सी दिस, ड्यूरिंग द ई आई ए इन्वेंट्री क्रूड ऑयल प्राइस वॉज हायर। ओके, बिकॉज इन्वेंट्री वॉज बुलिस। ओके, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपन्ड, प्राइस केम डाउन। ओके, एंड क्लोज्ड हियर। ओके, मीन्स दिस कैंडल ओपन्ड हियर। ओके, एंड केम लिटिल बिट डाउन देन अप टू दिस लेवल, देन दिस वॉज द क्लोजिंग फॉर दिस कैंडल। ओके, सो यू नो यू डोंट हैव एनी नीड टू ट्रेड ट्रेड ऑन दिस कैंडल, वेट इट टू क्लोज, वी विल ट्रेड ऑन नेक्स्ट कैंडल। ओके, सो सी दिस, वैन वी हैव अपर विक लॉन्गर देन लोअर विक। ओके, वी विल गो इन सेल, एंड वेयर वी विल गो इन सेल, नियर टू दिस प्राइस, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल। सो वी विल सेल एट दिस लेवल, बट वी विल गेट अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएसन एट दैट टाइम, सो वी ऑल्सो कैन ट्रेड इन दिस कैंडल। ओके, एंड वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस इज एट दिस लेवल। ओके, एंड प्रॉफिट टेकिंग मस्ट बी एज पर अदर इंडिकेटर लाइक RSI, स्टोकिस्टिक्स। आई हैव मैनी वीडियोज फॉर दैट। ओके, यू कैन आइडेंटिफाई दैन वेयर यू नीड टू बुक योर प्रॉफिट। सो लॉट ऑफ पीपल वॉज बाइंग। ओके, बट आई डिडेंट बाई। ओके, आई सेल एट एवरी लेवल, आई सेल हीयर हीयर एंड हीयर। ओके, एंड आई वॉज नॉट कीपिंग स्टॉप लॉस बिकॉज आई न्यू दैट दैट मार्केट विल गो डाउन, बट यू डोंट थिंक एनी थिंग, समटाइम्स आई ऑल्सो कैन बी अ रॉन्ग। ओके, बट दिस कैंडल गेव मी कन्फर्मेशन दैट मार्केट मार्केट विल गो डाउन, एंड सेम थिंग हैपन, मार्केट फॉल शार्पली एंड आई मेड सम गुड प्रॉफिट ऑन दिस कैंडल। सी दिस, लोअर विक इज लॉन्गर देन वी विल बाई, वेयर वी विल बाई, नियर टू opening price of this candle. Okay, when we will sell, we will sell at closing price. Okay, and when we will buy at to this level. Okay, sometimes candles can be red or green. Okay, you don't have any need to see that what is the color of candle. So see this, after that this candle price didn't came to this level. Okay, but here we found a hammer, so better after a small down we found a hammer, so better to buy your position here after this candle closed, so we can make some profit. Okay, here also. So now I will take some other example. This technique will work 95%, 5% only you can fail. See this, this is the same situation, but 21 June there was inventory or not, let me check. July, I will go in June, 21 July, 21 June, 21st June. So this must be
ओके सपोज देयर वॉज इन्वेंट्री एंड दिस वॉज अ कैंडल ड्यूरिंग द इन्वेंट्री, वी हैव अ वेरी स्मॉल लॉन्गर विक एंड अपर विक इज वेरी बिग, सो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेल नियर टू दिस प्राइस, नियर टू दिस लेवल, ओके एंड यू नीड टू यूज अदर इंडिकेटर टू बुक योर प्रॉफिट. नाउ आई विल गिव यू सम अदर एग्जाम्पल्स. ओके सपोज सच कैंडल्स, ओके यू सी दैट वी हैव अ सच कैंडल्स ड्यूरिंग द इन्वेंट्री, सो यू नीड टू वेट फॉर वन मोर कैंडल. ओके सो व्हेन नेक्स्ट कैंडल इज रेड और ग्रीन, ओके यू नीड टू, सपोज यू फाउंड दैट नेक्स्ट कैंडल इज रेड, बेटर टू गो इन सेल. यू फाउंड दैट नेक्स्ट कैंडल इज ग्रीन, ओके व्हेन यू विल सी दैट when you will find a green candle, it will be near to this level. Okay. So, but you will see very few times that we will find such candles, and you need to see this on hourly chart. So, see this. Suppose this candle came during the inventory. Next candle is red. Okay. Then we need to sell near to this candle, this level, okay. Suppose you found this candle during the inventory. So we have a longer lower wick and upper wick is very small compared to this. So we need to buy near to this level, near to here, okay. I will take you some more example. Just a second. So we'll start founding our candles. Okay. See this. This was also during the inventory. Okay. But this was a very sharp movement. Okay. It came down, upper wick is higher, but after that one more candles with longer upper wick. So you can lose your stop loss in this type of candles. See this, this was the best example I traded. Okay. See this. This candle was during the inventory. Lower wick is very small, upper wick is very higher. Okay, very big. So I sell near to this level. Okay, and I made some good profit. So I hope you understood that, and this will not only help during the inventory, okay. You can see that sometimes market will reverse after a long wick candles. When market will reverse from lower side, okay, then lower wick will be longer. When market will reverse from the upper side, then upper wick be longer. So I'll show you one more example. This came also during the inventory, but we didn't find any candle, but it was a downtrend, so I was in sale from something from this price. Okay. So suppose if you are waiting for wick, okay, we didn't find any good wick, okay, then
when body size, body, when this is the body of this candle, okay, from here to here, when body is greater than wicks, okay, then don't trade considering this wicks, okay, because we have a longer body. So don't consider that this is a lower wick is longer, I can buy here. Don't buy in such a situation when we have a very big body of candle, okay. So I hope you understood this lesson, and this will definitely help you. If you will panic and you will trade before the inventory, you have chances to lose. Sometimes I also lose when greed comes in my mind that market will fall, maybe I can miss the level. Okay, most of the time I lose in such situation, but when you will trade with the help of this technique, this will 100% I can't say, but 90% you will make some good profit. Okay, thanks for watching.